वहीं गुजरात सरकार को हाईकोर्ट से एक बड़ा झटका मिला है। कोर्ट ने आर्थिक तौर पर पिछड़ों को दिए गए 10% आरक्षण की व्यवस्था को रद्द कर दिया है। आर्थिक आधार पर अगड़ी जातियों को आरक्षण देने के राज्य सरकार के फैसले को हाईकोर्ट ने असंवैधानिक बताया। गुजरात में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा। गुजरात हाईकोर्ट ने आर्थिक तौर पर पिछड़ों को दिए गए 10% आरक्षण की व्यवस्था को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की खंडपीठ ने 10% EBC को असंवैधानिक बताते हुए दलील दी कि इससे आरक्षण 50% से ज्यादा हो जाता है, जबकि गुजरात में 50% आरक्षण पहले से ही SC, ST और OBC को मिला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के लिए 50% सीमा पहले से ही तय कर रखी है। कोर्ट के फैसले के बाद विपक्षी दलों को बीजेपी को घेरने का मौका मिल गया है। गुजरात कांग्रेस प्रभारी गुरदास कामत ने कहा कि राज्य सरकार की नियत पहले से ही ठीक नहीं थी। इनकी नियत ही खराब थी गुजरात सरकार की, इनको देना ही नहीं था। इनको पता था कि हाईकोर्ट स्ट्राइक डाउन करेंगी तो 10% बोल दिया इनको, इनको तो पता था कि क्या होने वाला है। तो मैं समझता हूँ कि धूल झोंकने का काम मोदी जी ने जो पूरा चुनाव में झूठे वायदे करके वो आज जीत कर वहां पर बैठे, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी यहां पर बैठी। हालांकि राज्य सरकार की याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसले पर 2 हफ्ते की रोक लगा दी है। दरअसल राज्य सरकार ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए वक्त मांगा था। आपको बता दें कि पिछले साल गुजरात के पाटीदार समुदाय ने आरक्षण की मांग करते हुए पूरे राज्य में आंदोलन किया था, जिसके बाद सरकार ने 10% आरक्षण का ऐलान किया था। हालांकि गुजरात में पटेल समुदाय सबसे संपन्न और मजबूत वर्ग माना जाता है। गुजरात की कुल जनसंख्या की लगभग 15% आबादी पटेलों की है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7।